नमस्कार, मॉम्स मैजिक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हमारा जो रेसिपी है छोटा सा ही है और टेस्टी है और इसको आप बहुत इजी से ही बना सकते हैं। आज हमारा रेसिपी है तोरई का चटनी, जो वेस्ट में से हम बेस्ट बनाएंगे। तोरई का छिलका जो हम सब्जी से निकाल के फेंक देते हैं, उसका आज हम चटनी बनाएंगे। तो आज हम नेनुआ, जिसको बोलते हैं तोरई भी बोलते हैं, नेनुआ भी बोलते हैं बहुत जगह पे, हमारे ओडिया में उसको जन्ही बोलते हैं, उसका छिलका का चटनी बनाएंगे और आपको दिखाएंगे टेस्टी वाला चटनी जो सबके साथ आप खा सकते हो। तो चलिए आज हमारा रेसिपी देख लेते हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है और बनाना कितना ईजी है। तो आज देखिए, तुरई का हमारा छिलका का चटनी के लिए पहला स्टेप हमारा इंग्रेडिएंट्स है। इंग्रेडिएंट्स ऐसे ही है, जीरा और हमारा इधर थोड़ा सा राई रखे हैं, लहसुन, मिर्च और ये इमली है। चटनी में इमली तो चाहिए ही चाहिए। और 1 इंच का अदरक लिए हैं हम। अदरक ऑप्शन है, आपको पसंद नहीं है अदरक का टेस्ट आप उसको मत डालिएगा। इसका हम क्या करेंगे, इसका ये तो आपने इंग्रेडिएंट्स देख लिए, इसका हम छिलका निकालेंगे। छिलका मैंने निकाल करके रखी हूँ, ऐसा ऊपर ऊपर से हम सब तुरई का छिलका निकाल देंगे। जो मैंने यहाँ पे करके रखी हूँ आप देख लें, यहाँ पे मैंने ऐसे सब छिलका निकाल के तुरई का रखे हैं। 1 पाव तुरई का छिलका मैंने इधर निकाल करके रखी हूँ। यह हमारा छिलका मैं पहले से धो ली थी, उसके बाद हम छिलका निकाल दिए। हमारा ये रेडी हो गया है। तो हम एक कढ़ाई में तेल लगाएंगे। हमने एक छोटा सा पैन लिए हैं, पैन में मैं इधर 1 चम्मच करीब तेल डालूंगी। बहुत ही इजी है और बहुत टेस्टी भी है, आप इसको रोटी चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। और ये हमारा तेल गर्म भी हो गया है, तो हम इधर डालेंगे जो साउथ इंडियन का थोड़ा टेस्ट हम देंगे, तो ये हमारा सफेद वाला उड़द है। उड़द डाल दिए हैं पहले, ताकि ये हमारा थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, थोड़ा क्रिस्पी जो पकने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, इसके लिए हमने पहले उसको डाल दिए हैं। उसके बाद हम डालेंगे जीरा 1 चम्मच जितना, 1/2 चम्मच हम थोड़ा सा राई, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा, होने देते हैं। चटनी बहुत ही टेस्टी, और चटनी तो ऐसे भी सबको पसंद रहता है, और इसको तो हम, मैं जैसे बोली हूँ, रोटी चावल किसके साथ भी खा सकते हैं। ये हमारा हो रहा है, और थोड़ा सा होने देते हैं उड़द को, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, उसका भी बढ़िया सा टेस्ट आएगा। तो चलिए ये हमारा भी हो चुका है, थोड़ा सा कलर बादामी कलर आ गया है। इसमें हम डालेंगे जो छिलका काट के रखे हैं, इसका हम छिलका को डाल देंगे। वेस्ट में से बेस्ट बनाएंगे। देखिए इसमें हम डालेंगे जो मिर्च रखे हुए हैं, मिर्च डालेंगे। इधर मैंने हरी मिर्च 4-5 जितना, आपको चटनी थोड़ा तीखा रहता है तो भी अच्छा लगता है, तो हमने इधर हरी मिर्च डाल दिए, और लहसुन की कलियां 6 से 7 कली, और इधर इसको हम पकने देंगे, फिर बाद में इसको हम इमली डालेंगे। पहले से थोड़ा डाल देंगे तो पकेगा नहीं, तो ये पहले पकने देते हैं तेल में, बाद में हम इसको इमली डाल देंगे। इसको हम क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट तक ढक के रख देंगे। हम चेक कर लेते हैं हमारा बना कि नहीं बना है। तो ये हमारा अच्छे से पक गया है। इसमें हम डालेंगे इमली। इमली हम चटनी में इमली की जरूरत तो पड़ती ही है, और इसमें हम कच्चा अदरक डालेंगे। अदरक बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आपको पसंद नहीं है तो आप मत डालिएगा। मैंने इसको छोटा छोटा टुकड़ा कर दिए हूँ, और इसको थोड़ा सा इसको ढक के छोड़ेंगे, ताकि हमारा इमली थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, और ये थोड़ा सा जो बाकी है पकना, ये भी हमारा
पक जाएगा, तो इसको भी हम 5 मिनट तक ढक के छोड़ देते हैं पहले। तो चलिए हमारा ये 5 मिनट भी हो गया है, हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा इमली भी सॉफ्ट हो गया है और अदरक भी, थोड़ा सा कच्चा अदरक मैंने डाली थी, ये भी हमारा अच्छे से पक गया है। अदरक जैसे मैं बोली ऑप्शनल है, और डाले तो अदरक, अब मैं इधर कच्चा अदरक डाली हूँ ताकि कच्चा अदरक जो होता है ये ज्यादा कड़वा नहीं रहता है, ज्यादा इसका पावर थोड़ा कम रहता है कच्चा अदरक का, बारिश के टाइम में ज्यादा आता है। जैसे पक चुका है इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये मिक्सर करने के लिए थोड़ा नॉर्मल पोजिशन में रहे। तो इसको हम गैस को बंद कर देते हैं, इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फैन के सामने ले लीजिए, या फिर आपको जल्दी नहीं है तो ऐसे ही आप उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ठंडा हो जाएगा तो हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। तो हमारा इधर ये हमारा जो छिलके हैं वो ठंडा हो चुके हैं, इसको हम मिक्सर जार में डालेंगे मिक्सी करने के लिए। यहाँ पे हम डालेंगे धनिया का पत्ता फ्रेश और नमक, हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आपको जितने नमक की जरूरत पड़ेगी। पहले हमने बिल्कुल भी नमक का यूज नहीं किए हैं, पहली बार डाल रहे हैं, क्योंकि हमने जो पहला जो हम छिलका में बिल्कुल भी नहीं डाले थे, कलर हमारा थोड़ा चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर नहीं रहता है, इसके लिए हमने नमक चटनी के टाइम डाल रहे हैं। और इसमें हम थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि थोड़ा सा डालेंगे ताकि हमारा इधर मिक्सी अच्छे से हो जाए। तो इसको हम देख लिया आपने क्या क्या डाल दिए, जो हमारा मसाला है उसको सब डाले, धनिया पत्ता थोड़ा डाले थोड़ा अच्छा टेस्ट के लिए, और नमक डाल के इसको हम क्या करेंगे मिक्स करेंगे बढ़िया सा। देखिए हमने मिक्सर कर दिए है, मिक्सर हमारा हो चुका है, कितना बढ़िया सा खुशबू आ रहा है चटनी का, जो हमने मसाला डाले थे अदरक और धनिया पत्ता हरा मिर्च, बढ़िया खुशबू आ रहा है। चटनी हमारा बनके रेडी हो गया है, इसको हम क्या करेंगे, अभी फोरनी भी लगाना बाकी है, ये कम्प्लीटली बना नहीं है, तो हम इसका फोरनी लगाएंगे। फोरनी के लिए इसको एक जगह पे निकाल देंगे, बाद में हम इसका फोरनी लगाएंगे। तो हमने इधर एक बड़ा जगह पे निकाल दिए हैं, कितना अच्छा कलर है हमारा चटनी का, और हमने पहले बिल्कुल नहीं नमक डालेंगे क्योंकि इस ग्रीन का कलर है, इस थोड़ा कलर थोड़ा सा चेंज रहता है, इसके लिए हमने नमक मिक्सर के टाइम ही डाले हैं। तो आप भी ऐसा करिए और कलर भी बरकरार रखिए। तो हमने इधर तो निकाल दिए हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। छोटा सा एक पैन ली हूँ जिसमें हम फ्राई करेंगे, और इसमें हम एक बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, इसको हम फोरनी लगाएंगे। तो थोड़ा सा गैस को बढ़ा देते हैं, फ्राइंग भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है चटनी का। इधर वही उड़द दाल छिलका हटाने वाला सफेद वाला उड़द दाल ली हूँ, जीरा और राई, फोरनी मारने के लिए 3 मिर्ची ली हूँ, और इधर कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता नहीं रहता है तो चटनी हमारा खुशबू वाला नहीं रहता है। तेल हमारा गर्म हो रहा है, इसमें हम पहले डालेंगे उड़द दाल, ये हमारा बहुत ही टेस्टी लगता है, और चटनी बनने के बाद जब हम खाते हैं ये जब मुंह में आता है बहुत ही बढ़िया टेस्ट रहता है इसका। तो ये हमारा हो रहा है, तो हम डालेंगे इधर सूखा मिर्च, सूखा मिर्च, फोरनी भी हमारा उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप फोरनी लगाना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, फोरनी मत लगाइएगा। और हमने इधर सरसों डाले, और इधर हम डालेंगे एक चम्मच जीरा, सरसों, जीरा और सफेद वाला उड़द दाल, और मिर्च डाला हमने सूखा मिर्च, थोड़ा सा दूर होके आप डालिएगा। और ये हमारा सब फोरनी तो हो गया है, इसको गैस बंद कर देते हैं, और अभी हम डालेंगे कड़ी पत्ता। तो ये लीजिए हमारा ये बनके कितना अच्छा कलर के साथ बनके रेडी हो गया फोरनी के लिए, और फोरनी हम इसको हटा के हम इसमें डाल देंगे।
पूरी बहुत ही अच्छा टेस्ट और खुशबू देता है चटनी के लिए। बाद में हम फूरनी लगाएंगे तो आपको पहले से जो डाले हैं फूरनी लगाने का मन नहीं है, फूरनी लगाना नहीं चाहते हैं, तो आप पहले से इसको क्या करिएगा, जैसे पहले आप तेल में जीरा और सरसों डाले उसी टाइम थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डाल दीजिएगा ताकि वो मिक्सर हो जाए तो वो भी थोड़ा खुशबू रहता है चटनी का। हमने इसको मिक्स कर दिया, देखिए कितना अच्छा कलर है चटनी का। इसको आप बड़े के साथ भी खा सकते हैं, समोसे के साथ भी खा सकते हैं, डोसा के साथ भी खा सकते हैं, चावल रोटी किसके साथ भी खा सकते हैं। इसको कितना बढ़िया कलर के साथ बन के रेडी हो गया और स्वाद खुशबू के साथ बन के रेडी हो गया हमारा चटनी, वेस्ट में से बेस्ट हमारा तोरई का छिलके का चटनी बन के आपके सामने रेडी। आप इसको बनाइए, खाइए और आपका अनुभव है मुझे लाइक कमेंट के माध्यम से बताइए आपको मेरा जो वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही कुछ नया वीडियो के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।